एक संत भारत के घूमने के लिए गए, भारत के संत घूमने के लिए गए, और भारत के संत ने देखा एक पत्नी का पति मर गया, पति मरा, कब्र में उसको दबाया, पत्नी विदेश की, पति की कब्र पर पंखा कर रही थी, पति की कब्र पर पंखा कर रही है वो विदेश की नारी। भारत के संत को अच्छा लगा, भारत के संत ने नारी को प्रणाम करा, आप तो हमारे भारत की नारी से भी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी, पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो, पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो, पति मर गया उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो, तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा, तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है, हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है, विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है, भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्यता भारत की नारी रखती है, कदम से कदम मिला।